नमस्कार। 4 साल मोदी सरकार, इस श्रृंखला के तहत आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रोहनिया क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी। विधायक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान अभी तक कितना सफल रहा है। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से इस देश के समस्त जनता को धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वच्छता के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस मिशन का बहुत तेज़ी से शुरुआत किया है जी। आप जानती होंगी मैं इस बनारस शहर का रहने वाला हूं और बनारस में पान बड़ा मशहूर है जी। पान खाकर यहाँ के लोग जहाँ इच्छा थी वहाँ पीस फेंकते थे और जहाँ मर्जी थी वहाँ पत्ता फेंका करते थे। लेकिन उनके मिशन से जब शुरुआत हुई तो आज कोई भी व्यक्ति हो, पान खा के बनारस का कितना पान खाने वाला हो, जहाँ वो पान खाएगा इधर उधर टोकरी देखेगा। मेरा ट्रेन में अगर आप चल रही हैं तो निश्चित तौर पर छिलका लोग खा के ट्रेन में भी अपने पास रखते हैं और छिलका को ले जाकर कूड़ेदान में डालते हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मिशन से पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक विशेष जागरूकता हुई है और आने वाले बहुत जल्दी आप देखेगा कि पूरा हमारा देश विदेशों से स्वच्छता के मामले में कहीं से भी कमी नहीं होगा जी। जी विधायक जी, गांव के किनारे जो गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं उनमें स्वच्छता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रीति जी, गंगा के किनारे स्वच्छता के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे वाराणसी जनपद की बात मैं बताऊं आपको, हमारे जितने भी इसके किनारे किनारे गांव हैं वहां पर 2 किलोमीटर तक वृक्ष लगाकर गंगा को स्वच्छ जल और पानी रोकने के लिए, कटाव रोकने के लिए लोग काम कर रहे हैं। एक अभियान चलाकर उन गांव में टोकरी दिया जा रहा है, गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वच्छता जो आपका है, अपना तो आपको स्वच्छ रहना ही है, आप गंगा माँ को भी स्वच्छ रखिए। किसी भी तरीके से कोई भी कूड़ा गंगा जी में फेंकना मना है, चाहे फूल पत्ती हो अथवा पूजा की सामग्री हो अथवा हमारे यहाँ वाराणसी में आप देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लाश जलाए जाते हैं। लाश को भी हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि लाश घर और बनाए जाएं, विद्युत सौदागरी बने, चूँकि एक धार्मिक मामला है इससे जुड़ा हुआ है, फिर भी पहले की अपेक्षा बहुत कमी आई है। हम किसी भी तरह के लकड़ी या फूल पत्ती, भैंस नवाना, धोबी घाट इत्यादि माने जो कचड़ा है वो किसी भी तरीके से गंगा माँ में न जाए। वो हमारी माँ है, हमारा एक धार्मिक जुड़ाव है उनसे, पूरे देश की एक तरह से ऋण है वो, विकास के लिए भी माँ गंगा के ऊपर बहुत बड़े लोग निर्भर हैं। इसलिए गंगा जी की स्वच्छता के लिए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार पूरी तरह संकल्पित है। अभी आपने कल देखा होगा माननीय योगी जी का बयान था कि बहुत जल्दी हम पूरे गंगा जी में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी नाला नहीं गिरने देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जी। हमारे आज़ादी के बाद से आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, केवल बातें हुआ करती थी। आज की स्थिति में हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम बहुत जल्दी यथाशीघ्र हम इसको पानी को, गंदे पानी को, मल जल को गंगा जी में रोकें गिरने से, और इसको रोक कर हम इसका उपयोग किसी दूसरे स्थान पर कर सकते हैं या पुनः इस पानी को हम साफ करके गंगा जी में डालेंगे, लेकिन किसी भी रूप में गंदा पानी गंगा जी में नहीं जाएगा और गंगा जी बहुत जल्दी स्वच्छ होगी, ऐसा पूरा विश्वास हम सबको है। जी जी विधायक जी, अगला सवाल हमारा ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं रही हैं और इन योजनाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा है अभी तक पिछले 4 सालों में? मोदी जी की शुरू से ही अभियान और उनका आप सब देखती हैं कि सबका साथ सबका विकास जी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी है, लेकिन आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे बड़ा तो आप बुनकरों से आज पूछिए तो पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा ट्रेड फैसिलिटी यहाँ हमारे यहाँ वाराणसी में खुला है। एक छत के नीचे उनका रेशम, उनके साड़ी की खरीद जी, रेशम की बिक्री, साड़ी को फिर हम उनसे खरीद कर विदेशों में भेजें ताकि उनका ठीक उचित मूल्य मिल सके, यानी जितने भी उनके लिए स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुद्रा योजना भी इसी से संबंधित है। मुद्रा योजना के तहत भी हम जी
छोटे छोटे लोन लोगों को देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले साल बहुत बड़े संख्या में अल्पसंख्यकों को मुद्रा योजना के विषय में बताया गया और उनसे लाभान्वित किया गया, उन्हें लोन दिलाया गया। छोटी छोटी योजनाओं में चाहे बुनकर को साड़ी खरीदना हो, चाहे उन्हें अपना रेशम खरीदना हो, चाहे उसके लिए उनको करघा बैठाना हो, जो भी योजनाओं को प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए उनको छोटे छोटे जो भी लोन है बिना किसी गारंटर के लिए उनको दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर सरकार की योजना से बहुत बड़ा लाभ हुआ है, बुनकरों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उनके मन में सरकार के प्रति भी एक अच्छी भावना आई है कि जो लोग कहते थे कि भाजपा आने से अल्पसंख्यकों के लिए बहुत नुकसान होगा, उनके मन में ये दृढ़ इच्छा पैदा हुआ है। निश्चित तौर पर आप सभी लोग देखते हैं कि आज जहाँ भी आदरणीय मोदी जी आते हैं, चाहे योगी जी आते हैं, हमारे सरकार के मिनिस्टर आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अल्पसंख्यक भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके विकास में पूरा योगदान दिया जाए, उनके पढ़ाई लिखाई के विषय में, उनके जो मदरसे चल रहे हैं उसमें आधुनिक शिक्षा का भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है कि वहाँ भी अच्छी पढ़ाई शुरू हो, ताकि उनको केवल ये समझ में आवे कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में उपेक्षित नहीं हैं। हम उनको जो आदरणीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हम उसी के तहत इस देश के एक संभ्रांत नागरिक की तरह हम जिए, ऐसा प्रयास हमारे भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यकों के लिए है। जी जी विधायक जी, ग्रामीण सड़कों में को बनाने में केंद्र सरकार की अब तक की क्या उपलब्धि रही है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट और दिखाई पड़ता होगा आप सबको, जी दूरदर्शन को मैं धन्यवाद देता हूं कि अक्सर मौके मौके पर आप लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, लोगों के बीच में पहुँचाते हैं। आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने चतुर्भुज योजना को, यानी पूरे देश को कोने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जोड़ने का अभियान चलाया था। और हमारी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से हुई है, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों में लगातार बहुत बड़ी बड़ी सड़कें गांव से जोड़ने का काम हो रहा है, शहरों से जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार की ये मंशा है कि अगर सड़क रहेगी तभी विकास होगा, और सड़क नहीं रहेगी तो विकास निश्चित तौर पर अवरुद्ध होगा। किसान, क्योंकि आपने गांव की बात किया है, मैं गांव का के विधायक के रूप में विधानसभा मेरा गांव का है, पूरा हम लोगों का प्रयास रहता है कि आज की स्थिति में मेरे यहां लगभग 40 सड़कें बनने की स्थिति में हैं और बहुत जल्दी पूरे विधानसभा में हम लोग सड़कों का जाल बिछा देंगे। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सरकार की ये नीयत है कि गाँव को हम सड़कों से जोड़ें। अभी वाराणसी में आप देखिए एक रिंग रोड बन रहा है, ये रिंग रोड बन जाने से वाराणसी में जो भीड़ होता है, जो दबाव ट्रकों का होता है, बड़ी बड़ी चाहे आजमगढ़ की, चाहे गाजीपुर की हो, चाहे हमारे बिहार की है, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को बाहर से हम ले जाकर रिंग रोड के माध्यम से, वो भी एक सड़क है, इससे किनारे किनारे इतना तेजी से विकास हो रहा है, जहां कुछ नहीं हो रहा था गांव में, वहां पर रिंग रोड के बन जाने से आप देखिएगा 2 साल के अंदर उन गांवों के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में आबादी है, वो बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगी। हमारा एक सड़क को दूसरे सड़क को जोड़ने के लिए, चाहे हमारा पुल हो, बनारस में कई पुल बन रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी बहुत बड़ी एक परियोजना लागू हुई, ये स्वीकृत की गई है, जो हमारा ये फुलवरिया है जी, वहाँ के बगल से हम रक्षा मंत्रालय से जमीन लेकर हम उनको जमीन दे रहे हैं। और हमारा जो शहर में दबाव बनता है वो गाँव को जोड़ने के लिए हम इधर इस रिंग रोड से जोड़ेंगे अपने लहरतारा तक, पुल बनाएंगे, ब्रिज बन रहा है हमारा, 3-4 ब्रिज बहुत बनने की कगार में इस समय है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी कि गांव को सड़कों से जोड़ने का जो उनका प्लान है, और ये सफल प्लान दिख रहा है। मैं गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत तेजी से, और एक और अच्छा है कि हमारी जो सड़कें बन रही हैं वो गुणवत्ता युक्त सड़कें बन रही हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी संभव है। बिल्कुल संभव नहीं, ये होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए जहां जहां भी सड़कें बन रही हैं उस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना आपको बताऊं मैं, आप सुनी होंगी बनारस में ये जो पंचकोसी रोड है, पंचकोसी रोड भी पुराना रिंग रोड है हमारा, बनारस के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम वो रिंग रोड के माध्यम से, पंचकोसी के माध्यम से धार्मिक स्थल सड़क है, और इन सड़क को बहुत अच्छी बहुत चौड़ी करने वाले जा रहे हैं, पैसा स्वीकृत हो गया है, और इसके 5 पड़ाव जो हैं एक तरह से पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति वाराणसी में होने जा रही है। 5 पड़ावों को हम बहुत सुंदर बनाएंगे, पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में
चार साल के अंदर मोदी जी की सरकार बनने के बाद विकास को देखने के लिए, यहाँ की योजनाओं को देखने के लिए, वाराणसी के घाट इत्यादि जो हमारे फेमस है पूरी दुनिया को, पुराने ये वाराणसी बहुत पुरानी नगरी है, इसको देखने के लिए आज दुनिया में बहुत तेजी से पर्यटक दुनिया से आ रहे हैं वाराणसी में। और निश्चित तौर पर सब कुछ संभव है, अच्छे सड़क, हमारा पूरा प्रयास है कि गांव ग्रामीण सड़कें जुड़े और इन सड़कों के माध्यम से हम इस वाराणसी को ही नहीं पूरे देश को एक मजबूत देश बना सकें। जी जी विधायक जी, ग्राम स्वराज की क्या अवधारणा है और इसको सफल बनाने में अभी तक क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रीति जी, लगता है कि आप आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को यहाँ पर सुनना चाहते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको जानकारी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में इस 1.25 साल से जब से सरकार बनी है, लगातार हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम गांव को किस तरह से समृद्ध विकसित करें। जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अभी आप लोग लगातार टीवी पर और अखबारों के माध्यम से देखते होंगे कि हम लोग गांव में चौपाल लगा रहे हैं। आजादी के बाद पहली ये सरकार ऐसी है जो खुद हमारे नेता, हमारे प्रमुख व्यक्ति, हमारे पदाधिकारी अधिकारियों के साथ गांव में जाकर उनके चौपाल लगा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं जो गांव के लिए लागू की गई हैं वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही, गांव तक पहुंच रही है कि हो रहा है कि नहीं, आम जन तक पहुंच रही है, जन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं। और जब हम गांव में जा रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी सूचना हमको मिल रही है कि अभी हमें और इस पर काम करना है। हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है शौचालय के लिए कि प्रत्येक घर में शौचालय बने, गांव के प्रत्येक महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, कहीं भी बाहर शौच के लिए न जाए, हमारी योजनाएं अभी भी वहां पर तमाम जगह दिखाई पड़ रही हैं कि हमें और काम करना है। हमें तमाम ऐसे काम जो हैं, हमें गवर्नमेंट की प्लानिंग है विद्युत के लिए, गाँव में हम पूरी तरह से चाह रहे हैं कि हमको 24 घंटे बिजली हम गाँव में दें। आज बहुत मुझे फख्र के साथ कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से अब ये सरकार बनी है तब से 18 घंटे बिजली हर जगह मिल रही है, बहुत तेजी से ट्रांसफार जल रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर वहाँ लग रहे हैं, गांव में बिजली पूरी तरह से आ रही है। और मैं बता दूं आपको प्रीति जी, आप भी कुछ महसूस करिएगा कि आज जनरेटर और जो इन्वर्टर वाले हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इतनी बढ़िया बिजली मिल रही है। पहले बिजली हमें अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए कभी कभी दूसरे के घर जाना पड़ता था, लेकिन आज इन्वर्टर और ये बैटरी वाले दुकान बंद करके जा रहे हैं। हम बिजली के माध्यम से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रत्येक घर में बिजली है कि नहीं। सौभाग्य योजना के तहत गवर्नमेंट का ये सख्त आदेश है बिजली के अधिकारियों के लिए, हम लोगों को कहा गया कि आप जाके चेक करिए बिजली सबके घर तक पहुँच रही कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के घर मकान से 40 मीटर दूर से अधिक खंभा नहीं होना चाहिए, एक किलोमीटर दूर भी अगर कहीं ताल में भी कोई बना के मकान रह रहा है तो उसके पास भी बिजली पहुंचे, उसके घर में भी रोशनी हो। प्रत्येक घर में हम गरीबों के पास पहुंचकर ये देख रहे हैं कि हम जो गरीब है, वास्तविक में गरीब है, उनके पास हम पहुंचावे अपना गैस कनेक्शन। गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें कल्पना भी नहीं हो रहा था, लगातार चूल्हा चौका करते बेचारी चूल्हे लकड़ी और गोहरी से फूंकते फूंकते आंखें खराब हो रही थी। स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ा। आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गांव की महिलाएं, गरीब महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, उन्हें सराहना दे रही हैं कि आप मोदी जी आए और हमारे घर में गैस कनेक्शन आया, मेरे घर में गैस से हम रोटी बना रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, हम लोग गैस कनेक्शन बांटने एक जगह गए थे प्रीति जी, एक गरीब महिला के आंख से आंसू निकल गया, वो आंसू खुशी के थे। हमने पूछा कि आप माता जी आज क्या बनेगा आपके यहाँ, तो उन्होंने बताया कि मैं नेताजी हम खीर बनाएंगे आज। जी, खुशी की बात है, क्योंकि खुशी में मिठाई बढ़ती है, तो मेरे घर में आज खीर बनेगी, वो रोने लगी कहकर। निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार गाँव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज गाँव के गरीबों में, नौजवानों में, असहाय लोगों में, दलितों में एक नई उत्तेजना बढ़ रही है तेजी से आगे बढ़ने की। जी, जी। उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति बन रही है कि हम भी तेजी से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना विकास कर सकते हैं। इस निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ग्राम स्वराज के लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, लगातार काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम गाँव को भी शहर बनाएंगे, गाँव को भी कहीं शहर से कम सुविधा न मिले, हमारा लगातार ऐसा प्रयास है।
जी विधायक जी, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद। एक बार पुनः आपको और दूरदर्शन के माध्यम से अपने पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।